चलिए आपको सीधा लाइव लिए चलते हैं नोएडा, जहां गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बुद्ध विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट इन लाइनिंग विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जीबीयू इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश ऑफरिंग इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स across multiple streams. The establishment of Noida, Greater Noida Knowledge and Innovation Network has solidified our position as a knowledge hub, having collaboration with government bodies, private universities and industries. Our Center of Excellence in Drone Technology, along with 25 plus MOUs with prestigious entities including Software Technology Park of India, National Disaster Management Authority and ST Microelectronics further underlines our commitment to innovation and collaboration. We hosted Khelo India program, Commonwealth and Asian Weightlifting Championship at the Eklavya Sports Complex in GBU. GBU has been one of the leading participating universities in G20 University Connect program. GBU has hosted UNESCO India Africa Hackathon under the central theme Life, a mission of lifestyle for environment, an initiative of Honorable Prime Minister of इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। और सीधे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय चलेंगे, जहां गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। मन में इच्छा हुई कि फिर निकलता हूं। देखते हैं कि एक जगह बीमार आदमी को लेकर के चार लोग जा रहे हैं। उसने पूछा ये क्या है, का बीमार व्यक्ति है, कई बीमारी क्या होती है, कई तो हर व्यक्ति के लिए है। एक शिशु युवावस्था में पहुंचता है, युवावस्था के बाद फिर उसकी एक जवानी आती है, फिर बुजुर्ग बुढ़ापा आता है और फिर एक समय के बाद शरीर जर्जर होता है तो बीमार भी होता है। तो कहा क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? कहा एक उम्र के बाद तो कुछ दिन के लिए तो कुछ देर के लिए तो होना ही पड़ेगा। वे फिर वापस आते हैं और वापस आने के बाद फिर उनके मन में कुछ दिनों के बाद इच्छा होती है कि मैं देखूं क्या है। तीसरी बार की घटना उनको झकझोरती है कि चार लोग कंधा लेकर के एक व्यक्ति को लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके सगे संबंधी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है? कहा मृत्यु क्या होती है? तो मृत्यु के बारे में सिद्धार्थ जानने की इच्छा से जब उनको पता लगता है कि एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा, जीवन की जो शाश्वतता हम सोचते हैं राजमहलों में वह नहीं रहेगी, तो बुद्ध अब शाश्वत खोज में निकल पड़े। शाश्वत शांति की खोज कहां होगी, कैसे प्राप्त होगी, कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? और फिर वह सब कुछ छोड़ करके निकल पड़ते हैं। उन्होंने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीन उपदेश दिए हैं अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को। पहला उपदेश क्या है? धम्मं शरणं गच्छामि। आपने यहां जब विश्वविद्यालय के कुलपति आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, दीक्षांत उपदेश भी भारत के गुरुकुल की परंपरा में उपनिषदों की तैतृय उपनिषद के उपदेश हैं, जिसमें एक गुरु शिक्षा के उपरांत अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है। उपदेश क्या है भाई? तुमने ये जो कुछ भी अर्जित किया है इसका सार क्या है? सार यही है, सत्यम वद धर्मम चर।
सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। बुद्ध भी यही कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म क्या है? धर्म पूजा पद्धति नहीं है, धर्म जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, सदाचार, नैतिक मूल्य और कर्तव्य, इनका जो समन्वित रूप है, जो हर देश हर काल हर परिस्थिति में रहेगा। ये उपासना विधियां पूजा पद्धतियां ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं। या आवश्यक नहीं कि हर समय आप एक ही स्थान पर एक ही जगह में एक ही प्रकार की पूजा पद्धति को मानेंगे या लोग मानेंगे, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती जाएंगी। लेकिन धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है और उसे जो हमें इन सभी मूल्यों के साथ जोड़कर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। बुद्ध ने भी प्रत्येक नागरिक को, अपने प्रत्येक शिष्य को, अपने प्रत्येक अनुयायी को इस मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दूसरा उपदेश उन्होंने दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्ध की शरण में मत आओ, बुद्धि की शरण में। बुद्ध का मतलब विवेक से है। हम विवेकशील बने जीवन में, कोई कार्य करना हो 10 बार सोच लो और जब एक बार आगे बढ़ जाओ तो फिर पीछे मत हटो। अक्सर होता क्या है, हम कोई राह चुनते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।